हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सेल्फमेड बॉय ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो अब आयुष के साथ अपना ही किचन में यहाँ चिकन डाल दिया हूँ बनाने के लिए, रख दिया है मैंने बनाने के लिए। आवाज भी आ रही होगी आप लोगों को। तो दो प्लेट से ढक दिया हूँ, स्टीम करके बना रहा हूँ। ये रहा चिकन, इसमें मैं नमक डालना भूल गया था यार। नमक डाला था मैं फिर ऊपर से डाला। इसका अभी थोड़ा ग्रेवी बनाएंगे तो मिल जाएगा पानी में, तो हो जाएगा मिक्स मैच, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। आयुष आया स्पेशली मेरे हाथ से खाने चिकन। क्या आयुष? कल्याण इतना तारीफ कर दिया था। चलो अभी फिलहाल तो अब आयुष खेल रहा था मेरे फोन में पबजी क्योंकि बोर हो रहा है, ये क्या करे यहाँ पर रह के, इस वजह से। तो कोई नहीं, अब बनता है चिकन, उसके बाद फिर खाएंगे, तब फिर घर जाएगा। आज खा के ही जाएगा ये, बट हान क्या है, कुछ भी हो जाए, तूफान भी आ जाए तब भी जाएंगे खा के ही। मिलते हैं फिर। आया हुआ ये भी खाने, चिकन खाएगा मल्ली। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको भी चिकन खाना है। और एक और पता नहीं कहाँ बाहर गया घूमने, वो आएगा बाद में। ओ अच्छा, तो आयुष ने मेरा स्टूडियो नहीं देखा था तो अभी उसको स्टूडियो दिखाया अपना। यहीं पे बैठे हुए हैं, मेरा बेड है जहाँ लगा हुआ। आप लोगों ने तो देखा ही है, मेरे पिछले व्लॉग में देखा ही है कि मैं कहाँ बैठता हूँ कहाँ रहता हूँ। यहाँ थोड़ा अंधेरा है, यहाँ रोशनी का थोड़ा कमी हो रही है, ठीक से लाइट नहीं है यहाँ पर। तो ये रहा मेरा मच्छरदानी मच्छर से बचने के लिए, और ये मेरा बेड कीड़ों से बचने के लिए। ये रहा मैं, ये रहा आयुष खाने के लिए चिकन। अभी चिकन कब तक खाएंगे देखते हैं कब तक बनता है। सो गाइस, अभी चिकन बन गया है और थोड़ा ऑयली ऑयली हो गया स्किन भी। चिकन बनाने में थोड़ा भाफ आता है ना तो हो जाता वैसे स्किन। ये रहा हमारा चिकन। सो फाइनली हमारा चिकन बन गया है, इसको थोड़ा प्लेट में निकाल लेते हैं। सो अभी हम लोग का चिकन बन गया है और अभी शुरू कर रहे खाना। यहीं पर रखा हुआ है नीचे, यहीं पर बैठ के हम लोग खाएंगे अभी। सो पहले खाना शुरू कर ले, बहुत तेज भूख लगी है, सुबह से लगे हुए हैं इसको खाने में, मतलब बनाने में। तो खाने में लेट क्यों करें, क्या है जरूर। सो अभी हम लोग ने चिकन खा लिया, कैसा लगा आयुष? काफी अच्छा था। पहली बार खाया ना? हाँ, फुल चिकन पहली बार खाया आयुष मेरे हाथों का। और इसकी मम्मी को भी पता है, बहन को भी पता है कि मैं चिकन बनाता हूँ, लेकिन विश्वास ही नहीं कर रही कि ये वाला चिकन यही बनाता है। इसलिए आज इनके बेटे को खिला दिया कि विश्वास हो जाए कि हाँ बनाता है। तो अभी सलोनी आ गई घर और देखिए भींग गई है। मैं ही लेके आया, मैं भी भींग गया हूँ, तो मैं कपड़ा चेंज कर लिया, हाफ पैंट टी शर्ट पहना हूँ। ये भी भींगी हुई है, तो आज चोट लग रही थी बूंदों से। तेरे को? तेरे से ज्यादा मेरे को। मेरे को भी लग रही थी, बहुत मोटी मोटी बूंदे गिर रही थी मम्मी। हाँ, ठंडी लग रही थी अलग। दे मेरे को भी। चल तू अपना हिस्सा वाला खा था ना, एक बार दिखने में। तब भी तू लेके गई थी मेरे में से, गई थी कि नहीं लेके? नहीं नहीं, दे मेरे को आधा। थे बताता हूँ तेरे को, रुक। देखो इसको निहाल सको, मेरे से मिलता है। हाँ देखो, मैं हाथ देख रही हूँ इसका, देख लो मम्मी, छीन के लाओ फोन। क्या छीनेगी? बोलो क्या छीनना है तेरे को? फोन। क्यों? वो मेरा फोन है। ज्यादा वो तेरा फोन है, मारूंगा ना यही फोन फेंक के। क्या हुआ था, क्यों भौंक रहा था इतना? डॉगी आया था, उसको मारा भी एक दूसरे को। एक दूसरे को मारा? हाँ। कैसे? नहीं। कैसे मारा? मुंह
क्या बोलते ये नहीं मम्मी ये ऑटो करेक्ट हो गया पांडे जी लिखा तो पांडा जी हो गया सेव पांडा जी बॉय में सेव कर दिया था कुंफू पांडे वाला पांडा आ गया पांडा जी किसको कॉल करना है पांडा जी को अभी तो मुझे इतनी हंसी आने की मैं जैसे मन्ना जी लिखा मन्ना भैया है ना उनको का मन्ना मुन्ना भैया तो मन्ना भैया मन्ना लिखे ये मन्ने मुन्ना भैया को मन्ना गुड इवनिंग पांडा अगस्त पांडे अंकल उनको और पेशेंट था अगस्त पांडा अंकल अगस्त पांडा अंकल खाना हो गया पांडा जी अच्छा होगा ना खाना पांडा जी वोटो करेक्ट हो जाता है इसका अब सब ठीक नमचे उठे ना दाल की दूध क्या बन रहा है मम्मी ये दाल की दुल्हन हाँ दाल की दुल्हन ये दाल की दुल्हन क्या होता है सर्च करो ना यूट्यूब पे मिलेगा दाल की दुल्हन आप लोग सर्च कीजिएगा पता नहीं क्या है मैं भी मतलब खाया हूँ लेकिन नाम नहीं पता है मुझे ये दाल में ऐसे ये आटा का वैसे बनाया हुआ है आटा में हल्दी नमक पानी मिला के पेस्ट जैसा तैयार कर लिया है इसको इसके अंदर डाल रहे हैं दाल ले बना हुआ ये उबलने के बाद डालते हैं नहीं तो चिपक जाता है नहीं चिपकता है अच्छा दाल उबलने के बाद डालते हैं पानी उबलता है पानी उबलने के बाद तो ये ऊपर आ जाएगा क्या अच्छा आपस में नहीं चिपकेगा तो दो तीन दिन से यहाँ कपड़ा धो नहीं पाए हैं वॉशिंग में तो रात के 11 बजे धो रहे हैं कपड़ा वॉशिंग मशीन सर्फ पानी डाल दिया हाँ कुछ कुछ सब कपड़ा है जो अभी नहीं धुला है इधर चादर है इसको भी धोना है तो रात में जितना धुलेगा धो लेंगे फिर बाद में देखते हैं और सबसे ज़्यादा थकी हुई तो यही है घर में आया भींग भांग के मैं लेके आया और थक गई है मैंने भीगी थी तो उससे ज्यादा मैं भीगा था देख पानी हो गया होगा देख के आ रहा हूँ अभी हो गया होगा नहीं हुआ है जा मम्मी की मदद कर थक गई कोई काम नहीं करती ये काम चोर लोगों को पता है कितना काम करती चपा गया थे तो अभी मम्मी बना रही थी बन गया कुछ ऐसा दिख रहा है मम्मी है और खाना शुरू कर दिया सब हेलो व्यूअर्स तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग